यहाँ पर बैठ के ना इसको काट रही थी। वो सॉफ्ट है ना, नॉन स्टिक का है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। डेमो भी दे रही है लाइव। चलो छोड़ो छोड़ो ना, ये खराब हो जाएगा। नहीं, वहां पे किचन में गई है मेरे पास, वहां से उठा लाई है। ये देखो अंदर आके चबा रही है। ये खाने वाली चीज है क्या? हैं, खाने वाली चीज है ये? ये आपके हाथ में क्या है दिखाओ, क्या है ये, क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक हैं। मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी फ्राइडे की रूटीन। फ्राइडे को फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं। ये अब्दुल रहमान की ना बेडशीट चेंज करने वाली थी। ये बहुत मुश्किल होती है इसको चेंज करना, इसके अंदर सीढ़ियाँ पूरा मैट्रेस बाहर निकालना पड़ता है, फिर चेंज करनी पड़ती है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरी हेल्प करवाएं, तो मेरे साथ यहाँ अब्दुल रहमान की बेडशीट चेंज करवाएं। ये वाली इसकी बेडशीट ना मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है, अच्छी लगती है, और इसके बेड के साथ मैच भी होती है। नाश्ता अभी हम लोगों ने नहीं किया था, हम लोग वेट कर रहे थे अब्दुल रहमान का, क्योंकि अब्दुल रहमान जो है फ्राइडे को आ जाता है, तकरीबन 12:15 आ जाता है वो घर पे। तो हमें भी फिर मैं अब्दुल रहमान को स्कूल भेज के सो जाती होती हूँ, तो 10 तो बज ही जाते हैं। दोबारा मैं रोज़ क्योंकि लेट उठती हूँ, फिर मुझे क्या करना होता है, मैं भी सो जाती हूँ। ये है वो बेडशीट जो अब्दुल रहमान की चेंज की है, तो ये हैवी है, ये जाएगी लॉन्ड्री में, घर पे नहीं वॉश करूँगी। पहले मैंने एक दफ़ा इनको घर पे वॉश किया था, मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, अभी मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। तो ये हस्बैंड की जाती है ना जीन्स प्रेस होने के लिए, तो साथ ही ये भी धुल के तो प्रेस होकर आ जाएगी, ये भी दे दूँगी। यहाँ पर मैं मेहरोज की ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेहरोज को शावर दिलाना था। ऑयलिंग के बगैर मैं बच्चों को शावर नहीं दिलाती, बेशक अब्दुल रहमान है, मैं खुद हूँ या मेहरोज है। मेहरोज की तो मैं मालिश भी करती होती हूँ, मालिश उसकी हो चुकी थी, तो ये इसके ऑयलिंग हो रही है। तो इसके बाद फिर मैं आधे घंटे बाद या घंटे बाद इसको मैं शावर दिला देती होती हूँ। ये मेहरोज को मैंने शावर दिला दिया हुआ है। मेरे कुछ काम होते हैं जो ना मैं अब्दुल रहमान के आने से पहले पहले करने होते हैं। तो अगर खाना बनाना हो, खाना तो वैसे मैं फ्राइडे को नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को वैसे ही पूरा दिन बहुत बिजी होता है, तो वैसे ही गुजर जाता है। मैं कोशिश करती हूँ एक दिन पहले बना के ना खाना रख लूँ। अभी मैं मेहरोज का चेंज करवा दूँगी। चेंज करवाने के बाद ये थोड़ी देर अपने बाबा के साथ खेलेगी, फिर क्योंकि मुझे जाना है किचन में, किचन में जाकर नाश्ता रेडी करना है। अब्दुल रहमान का भी आने का टाइम हो रहा है, तो ये बाय बाय कर रही है। जैसे ही मोबाइल देखती है ना कैमरा, उन्हें उसको भी पता चल गया है, तो बाय बाय करना शुरू कर देती है। तो ये फ्रेश होने के बाद फिर मेहरोज खेल रही है बलून के साथ। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर साथ ही इसका दोपहर का सोने का टाइम हो जाता होता है, तो मैं इसको सुला देती हूँ। बस 1 घंटा ही सोती है, ये ज़्यादा नहीं सोती है दोपहर को। ये अब्दुल रहमान भी स्कूल से आ चुका है और चेंज करके बैठ गया नाश्ता करने के लिए। इसका तो लंच होगा, क्योंकि ये तो नाश्ता स्कूल में करा है, ब्रेकफास्ट अपना। तो नाश्ते में हम लोग मूड हो तो बाहर से भी ऑर्डर कर लेते हैं, पाए या हलवा पूरी, चने वगैरह इस तरह का। लेकिन अगर घर पे बनाना हो तो घर पे फिर पराठे ही बनते हैं, साथ में ऑमलेट, अगर कोई सालन हो तो वो, या फिर अचार। अचार तो मैं ही खाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है पराठे के साथ अचार खाना। तो ये मेहरोज है, मेहरोज का फेवरेट है किसी भी फॉर्म में हो, बेशक ऑमलेट हो, बॉयल हो, कुछ भी हो, माशाल्लाह से शौक से खाती है। तो ये देखें, हालांकि मैंने उसमें हरी मिर्च काट के डाली हुई, फिर भी खा रही है। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अब्दुल रहमान की भी ऑयलिंग की, तो उसकी ऑयलिंग करने के बाद फिर मैंने मेहरोज को सुला दिया। तो अभी तो ये उठ चुकी है, उठ के खाना खा रही है अपना, तो वही जो खिचड़ी मैं इसकी बना के रखती हूँ, तो वो उठ के इसने खानी होती है। फिर जब ये सो रही थी तो मैं फिर किचन में चली गई थी। किचन में मुझे कुछ हल्का फुल्का बनाना था जो कुछ जल्दी बन जाता, क्योंकि हमारे दोपहर में खाने के लिए कुछ नहीं था, सालन कोई भी। तो फिर वो बनाया और अब्दुल रहमान को भी फिर मैंने शावर दिलाया। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ फिर मैंने जल्दी जल्दी में क्या बनाया था। ये आलू थे, तो आलूओं को मैंने काटा ऐसे छोटे छोटे पीस में काट के, तो फिर मैंने ना इनमें नमक डाल के तो घंटे आधे घंटे के लिए भगो के रख दिया था। तो आजकल आलू मीठे हो जाते हैं, फिर नमक लगा कर ऐसे भगो के रख देना, तो फिर वो थोड़ी जो उसकी उनकी मिठास होती है वो ख़त्म हो जाती है।
तो लेकिन ये है कि जब आप लोगों ने सब्ज़ी में या किसी चीज़ में डालने हैं बनाने हैं ना, तो फिर इनको 2-3 बार पानी से धो लें। मैं आज बना रही थी आलू अंडे, तो ये मैंने ऑयल डाल के थोड़ा सा, तो एक प्याज लिया था वो मैंने जब ऑयल गर्म हो गया था तो डाल के, जब उसका कलर चेंज हो गया तो फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, यानी कि 1 क्यूब, क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न होते हैं तो मैंने 1 क्यूब डाल दिया था। 1-2 मिनट मैंने फिर वो लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई किया, उसके बाद मैंने एक ये टमाटर था कटा हुआ वो डाल दिया था। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए थे तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर वो डाल दिया था, धनिया पाउडर, और फिर मैंने दूसरा थोड़ा सा नमक डाल दिया था। फिर मैंने 1/2 ग्लास पानी डाल करना इनमें, तो 10 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि आलू अच्छे से गल जाए। तो फिर थोड़ी सी ग्रेवी थी तो मैंने साथ ही 2 अंडे तोड़ कर डाल दिए थे, क्योंकि जब अंडे डलने थे तो फिर भी ये इनका पानी जो है ना ड्राई हो जाना था, और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दिया था। फिर मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च कटी हुई थी तो वो डाल दी। हमारे क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या भी बादाम चाहिए? बादाम चाहिए आपको? हाँ नहीं, फिर क्या चाहिए? ऊपर आ गई हो। वो देखो उधर, आप नजर आ रही, वो देखो सामने, वो देखो। आपका क्या काम है ऊपर? क्या करने आई हो आप? आपका किचन में काम है? चलो ये फ्रेश आटा, ये वाला मैं यूज करती हूँ और ये बहुत अच्छा है, और ऐसा होता है जैसे घर के आटे की रोटी है, इसकी बहुत अच्छी रोटी बनती है। और मैं आटा भी डेली फ्रेश नहीं गूंदती हूँ, हालांकि मुझे आटा गूंदने से बहुत चिढ़ा, मैं 3-4 दिन का ना इकट्ठे ही गूंद के रख लेती हूँ, तो तब भी ख़राब नहीं होता है ना, तो रोटी भी ऐसे होती है जैसे भी फ्रेश आटा गूंदा उसकी रोटी हो, तो ये बहुत अच्छा है। पाउडर है, उधर पाउडर लगाया है कॉकरोचेस का। मिशु उधर नहीं बैठो, कॉकरोचेस का पाउडर लगाया। इधर 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 रूम में पकड़ा पकड़ा इस गाना, ये इस बैठा हुआ तो पकड़ा। काबू आए हो, ये तांग है, तांग है, तांग है, ये देखो कितनी तेज है, भागे 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 भागे। अदर मान उधर पाउडर है, उधर नहीं जाओ बार बार। कहाँ गए दोनों बेबी? ये एक तो नजर आ गया, एक किधर? ये पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। ये देखो साथ में कैसे भाग रही। मैं रोज देखो आपको कैसे, आपके पीछे पीछे भाग रही, आपको फॉलो कर रही है। पकड़ो इसको तो। अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ। सब कामों से फ्री होने के बाद फिर यहाँ पर बैठकर हम तीनों प्ले कर रहे हैं। मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, मैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर खेलती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन ही बैठकर खेली हूँ, नहीं। जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरे पास फ्री टाइम होता है, तो मैं बच्चों के साथ बैठकर ज़रूर खेलती हूँ।
कोई ना कोई गेम खेलती हूँ, नहीं तो मैं इनको बीच पे जा नीचे कहीं ना कहीं ले जाती होती हूँ तो इनके साथ खेलती हूँ। फिर ये थोड़े रेस कर लेते होते हैं, मैं इनको पकड़ लेती होती हूँ, कुछ इस तरह का। वक़्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है पता ही नहीं चलता। अभी मुझे अब्दुलरहमान का टाइम याद आता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब्दुलरहमान अभी थोड़े दिन पहले छोटा सा था तो अभी माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया। यही टाइम है हम बच्चों के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर जब तो साथ साथ मेरी अब्दुलरहमान से बातें भी चल रही होती हैं, स्कूल की, उसके फ्रेंड्स की, तो साथ साथ हम खेल रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वैसे तो जब ये आता है स्कूल से तो मैं किचन में होती हूँ, तो इसने आते ही सब जो स्कूल में इसका दिन गुजरा होता है, जो जो इसने किया होता है, आते ही इसने सबसे पहले सलाम के बाद मुझे सारी हिस्ट्री बतानी होती है स्कूल की, मम्मा आज ये हुआ, बस में ये हुआ, स्कूल में ये हुआ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। जिस तो यहाँ पर मैं पपेट निकाल रही हूँ, ये मेहरोज लेकर आई थी बटरफ्लाई वाला शारजा से, तो पहले तो ये बहुत निकाला करती थी, अभी छोड़ गई है, पता नहीं क्यों अभी इसकी चॉइस चेंज हो गई है। अभी तो हर वक्त सुबह शाम, उस वक्त जब लेकर आई थी तो लेकर बैठी रहती थी, निकालती रहती थी। अभी मैं इसको बोल भी रही हूँ तो तब भी नहीं निकाल रही है, बस मोड़ के मालिक है, एक दो निकाला था फिर इसने छोड़ दिया था। तो यही था आज तक का हमारा ब्लॉग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।